आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। पानसेमल जनपद पंचायत सीईओ सहित अधिकारी और कर्मचारियों ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पानसेमल जनपद पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा भीकन गांव एवं गंदवानी में दो अलग अलग घटनाओं में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के प्रताड़ना के बाद जनपद में कार्यरत सीईओ और उपयंत्री के द्वारा आत्महत्या करने की घटना को लेकर मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर जनपद पंचायत पानसेमल संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में आज जनपद पंचायत में तहसील कार्यालय तक मोटरसाइकिल से रैली निकालते हुए तहसील कार्यालय में तहसीलदार राकेश ससस्तिया को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जनपद पंचायत पानसेमल सीईओ वीएस मोजालदा सहित रोजगार सहायक ग्राम सचिव और कर्मचारी मौजूद रहे। पानसेमल से सतीश केवट की रिपोर्ट। आज हमारे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही है उनमें योजनाओं में कार्य की अधिकता एवं हमारे जो है लक्ष्य जो दिए गए वो बहुत ज़्यादा होने से हमारे जो कर्मचारी है वो पीड़ित होने से उन लोगों ने कुछ जगह अनुचित कदम उठाए, आत्महत्या जैसे कदम उठाए गए। तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री जी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है कि वो हमारी समस्याओं का निराकरण करें। वर्तमान में हमारा ग्रामीण विकास विभाग जो है 29 विभाग की 53 स्कीमों का संचालन कर रहा है और कार्य की इतनी ज़्यादा अधिकता है कि उस कार्य को करने में हमारे जो है समस्त अमला जो है उसमें सीईओ है, बीडीओ है, एडीओ है, पीसीओ है, उपयंत्री है, एई है और हमारे सचिव जीआरएस सभी तरह का अमला दिन रात कार्य करने के बाद में भी कभी कभी हमारी स्थिति ये बनती है कि कुछ लोग उस काम को पूरा समय सीमा में नहीं कर पाते तो उन्हें कहीं तरह के पनिशमेंट दिए जाते। तो उनसे ऐसी स्थिति ना बने कि उन व्यक्ति को पनिशमेंट मिले, उसके लिए शासन स्तर से इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमने ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम उठाने वाले हमारे भिकन गांव के सीईओ साहब हैं जिन्होंने आत्महत्या की है अनुचित मतलब कि ज़्यादा दबाव की वजह से। और ऐसी एक घटना धार जिले के गंदवानी विकासखंड में सब इंजीनियर द्वारा एक आत्महत्या कर अनुचित कदम उठाया गया है।